वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के प्राइमरी पेपर की आंसर की, वो भी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन की। जी हाँ, ईवीएस के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आप चेक कीजिए आपके कितने आंसर सही हैं यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो इसमें जो किस्से कहानियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट आंसर, यानी नैरेटिव्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 63, तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना भी जरूरी है, और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारी से बाहर सीखना ये गलत है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना ये ठीक है। 63 का आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी, ये तीनों हो जाएंगे ए सी एंड डी, तो ये हो गया थर्ड आंसर। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 64, देखिए जो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये भी सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, और नेक्स्ट वन, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 64 की बात करेंगे तो इसमें तीनों ए बी एंड सी तीनों सही रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, ए बी एंड सी आंसर इसका 4। नेक्स्ट वन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को रोकने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य, 65 में देखिए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो ये अगर 65 की बात करें तो तीनों सही हैं, बच्चे में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये डी ऑप्शन गलत है, तो 65 का ए बी एंड सी, 65 का ए बी एंड सी सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के अवसर देना चाहिए, स्वयं आकलन है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखिए, ये होगा सीखने के समान आकलन, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, असेसमेंट एज लर्निंग। अगला देखिए, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है, शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री को देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? क्वेश्चन नंबर 67 की अगर आप बात करें तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही, और अगर बात करें सी की, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये गलत है, और कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह के अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, तो आंसर 67 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए? 68, देखिए क्या नहीं होना चाहिए, जो याद करना है, जो रिमेम्बर है, ठीक है, रिमेम्बरिंग ये नहीं होना चाहिए, नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 69 का देखिए, इसमें केवल डी होगा, प्रयोग करना, ठीक है, तो केवल डी, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा 69 का आंसर देखिए, अवलोकन और अभिलेखन ये भी ठीक है, और अभिव्यक्ति भी ठीक है, और ये विश्लेषण भी ठीक है, तो आंसर इसका ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी, तो ये हो जाएगा इसका 4। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो रेटिंग स्केल में चेकलिस्ट का या जांच सूची का उपयोग किया जाता है। 71, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन नहीं होता है इसमें? 71 का देखिए,
जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस। तो 71 का सेकंड हो गया। अगला देखें 72, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यदि यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, वहां स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है, यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 72, तो ये है जम्मू और कश्मीर का भाग। नेक्स्ट देखिए, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। 73 का आंसर देखिए इसका। तो एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद में जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही सही रहेगा, वो भी है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो गया, थर्ड का थर्ड आंसर ओनली ए। 74 देखिए, केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को आपको चुनना है, क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका ए देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है, ये बिल्कुल सही है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, खरपतवार यानी जो बेकार की घास फूस होती है इसको नहीं खाते। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ए सी एंड डी ये तीनों सही हैं। ए सी एंड डी देखिए किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग किया जाता है, कांसे के विषय में कौन सी चीज़ सबसे सही है, इनमें से बताना है। 75 है, तो ये देखिए, तो इसमें 75 का ये कॉपर और टिन का मिश्रण है, ये एक एलॉय है, कॉपर और टिन का मिश्रण है, ये प्राचीन काल से ही भारत में इसका उपयोग होना शुरू हो गया था, ब्रॉन्ज एज में सिंधु घाटी की सभ्यता जब जन्म ले चुकी थी तब उस वक्त। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपीओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन माना जाता है? 76 का आंसर देखिए थर्ड होगा इसका, केरल का है ये। अगला सवाल देखें, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा है? एक्चुअली उनको जो दिखाई देता है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, काला और सफेद रंग है। 78 देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो अरब सागर पर कौन कौन से हैं, ये रहा इधर अरेबियन सी है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर कौन कौन से हैं? तो 78 का आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं इसका बहुत अच्छी तरीके से, तो केरल कर्नाटका और पश्चिम बंगाल तो इस साइड में नहीं होगा, तो केरल कर्नाटका गुजरात, ठीक है, तो यहाँ गुजरात है, यहाँ कर्नाटका है, और ये केरल है, तीनों जो हैं कहाँ हैं, अरब सागर में है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, 78 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलें, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड जो है वो उड़ीसा का नॉर्थ वाला हिस्सा है, वहाँ पर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम का हम जब डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो इससे हमें ग्रीस भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, पैराफिन या मोम वगैरह भी मिलता है, बट कोल नहीं मिलता है। कोल एक अलग प्रोसेस के थ्रू हजारों साल सड़ने गलने के बाद में जीवाश्मों के तब बनता है, तो आंसर हो जाएगा 80 का सेकेंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिन्हें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या होता है? 82 का वो भूमि होती है टिन जिसे कोई वो भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। यदि आप एक्स पर स्थित हैं, क्वेश्चन है, यदि आप एक्स पर स्थित हैं, देखिए मान लीजिए सपोज करिए आप यहाँ एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है, नहीं जानते हैं आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, तो एक्स के ठीक ऊपर उत्तर में ए है, ये उत्तर में ए है, और कितना दूर है ये 30 मीटर,
ठीक है, 30 मीटर दूरी पर है। आगे क्या है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल फिगर जो बनेगा इसमें, फिर आप सी पर जाते हैं जो जो ठीक उत्तर में 30 मीटर, और अंत में आप वाई पर पहुंच जाते हैं। तो आप किस तरह से जाएंगे, पहले पहले 30 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर, आप फाइनली यहाँ पहुँचेंगे। फाइनली जब आप यहाँ देखोगे, ये तो था इसका विद्यालय, ये था इसका स्कूल। तो इसमें सवाल में पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष, ये है विद्यालय, विद्यालय के सापेक्ष अगर आप देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट और ये होती है साउथ, तो ये होगी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, बी ऑप्शन। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ, ये रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चलती है और अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची, और इसके अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी दे रखी है, रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है क्या होगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे सीधा, सिंपली आएगा कितना, 53। पर्यावरण अध्ययन में जो संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि 85, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 86, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ या रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं रेत के पहाड़ और रेत के टीले, तो ये कहाँ पर है, देखिए ये है अबू धाबी में, मरुस्थल है, ठीक है, पूरा रेगिस्तान है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं, हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी हुआ करता था, परंतु पूरी तरह से सूख गए हैं ये। निम्नलिखित में से कुआं सूखने के संभावित सही कारणों तक आपको पहुंचना है कौन से हैं, तो देखिए इसमें देखिए पेड़ों, कुओं, और देखिए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखें, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, ये भी ठीक है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, ये गलत है, ये वैलिडिटी नहीं दी। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, तो ये ए बी और डी हो सकता है इसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए बी और डी। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा, देखिए काम और खेल, जो वर्क एंड प्ले है, काम और खेल। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से कक्षा एक और कक्षा दो के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय जो है इसके संदर्भ में क्या चीज़ें सच हैं, तो 89 का देखिए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 489 का। 90 देखिए लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा, फर्स्ट, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईवीएस वाला सेक्शन, इसके बाद हम देखिए मैथ्स का, सीटीबी का और अलग अलग सेक्शंस का हम अपलोड करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, आप बताइएगा कौन से आंसर्स आपके जो हैं गलत हो रहे हैं या मेरे आंसर्स हो सकते हैं, तो हम जो है नेक्स्ट जब आंसर की डिस्कस करेंगे तो उसमें इनको चेक कर लेंगे, इन आंसर्स को, जो भी आपके मेरे आपके आंसर्स मिसमैच कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, नेक्स्ट आंसर की भी हमारी आने वाली है। थैंक यू सो मच।